आवश्यकता को यूं ही आविष्कार की जननी नहीं कहा जाता, वो वाकई कई बार किसी बड़े काम के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। ऐसे ही बिजली की कमी ने गाजियाबाद के पवन को भी कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया, तो उन्होंने कुछ ऐसा तैयार किया कि आज हर कोई उनका मुरीद है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपकी टी शर्ट सोलर पैनल बन जाए? पवन ने ऐसा कर दिखाया। टी शर्ट बनी सोलर पैनल, टी शर्ट से मिलेगी सोलर एनर्जी, मोबाइल डिस्चार्ज की अब कोई फिक्र नहीं। आविष्कार कैसे कैसे। वाकई में विज्ञान और तकनीक की दुनिया लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है, और साथ ही तेजी से बढ़ती जरूरतों के चलते ही तेजी से बढ़ रही है नए आविष्कारों की दुनिया। एक टी शर्ट जो फैशन स्टेटमेंट रही है, अब वो कैसे एक छात्र की कोशिशों के बदौलत बन गई पावर हाउस। ये ग्रीन पावर वाली टी शर्ट है बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पवन कुमार की। पवन ने एक ऐसी टी शर्ट डिजाइन की है जिससे मोबाइल फोन को चार्ज किया जा सकता है। टी शर्ट के फ्रंट पर एक छोटा सा सोलर पैनल लगा है जिसके जरिए सोलर एनर्जी बनती है। पैनल के साथ एक तार को जोड़ा गया है जिससे होते हुए पावर मोबाइल चार्ज करने वाली पिन तक पहुंचती है। मैंने 3 इडियट मूवी देखी थी, तब से ही मेरा मन था कि मैं कुछ अच्छा करूं और एक ऐसे काफ़ी सारे इन्वेंशंस करूं। काफ़ी टाइम से मैं अपनी इन्वेंशंस कर रहा, मेरे को इसे 3 महीने का टाइम लगा और मैंने ये एक ऐसी टी शर्ट तैयार करी जिससे आप लोग घूमते फिरते चलते फिरते अपने फ़ोन को चार्ज कर सकें। मैम एक तो नॉर्मल टी शर्ट है, उसके बाद से मैंने इसके अंदर वायर कनेक्ट कर रखे हैं जैसे आपको दिख रहा है वायर, और ये सोलर टी शर्ट पर आ रही है डायरेक्ट। उसके बाद मैंने इसे डायरेक्ट फ़ोन के अटैच से मतलब कनेक्ट करके और इससे लोग फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, और ज्यादा कॉस्टली नहीं, 500-600 के आसपास में आप लोग फोन को चार्ज कर सकते हैं। यानी अब मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। पवन की इस कामयाबी पर शिक्षकों ने भी खुशी जताई है। एक डस्टबिन ही इज प्लानिंग टू मेक कि जिसमें से जब भी वो फिल हो जाएगा तो एक अलार्म पर्टिकुलर अथॉरिटी में चला जाएगा थ्रू अ मैसेज दैट इट इज फिल्ड नाउ इट हैज टू बी क्लियर आउट। इसके अलावा ये कुछ पीपल के पत्तों से एनर्जी चार्ज करने का भी प्रोजेक्ट कर चुका है। तो लाइक दिस दीज इनोवेशंस इन फैक्ट आर वेरी क्रिएटिव एंड न्यू कंसेप्ट्स। वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि इन्हें पूरी सपोर्ट की जाए अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, और इससे अलग भी अगर इन्हें कहीं पर भी लगता है कि वी नीड पार्ट ऑफ दिस, सो वी ट्राई टू सपोर्ट फाइनेंशियली एजुकेशन वाइज। पवन को नए नए एक्सपेरिमेंट करने में काफी दिलचस्पी है, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मोबाइल चार्ज करने वाली किफायती टी शर्ट बनाने का प्रोजेक्ट उन्होंने सिर्फ 15 दिन में पूरा कर लिया। इस टी शर्ट को बनाने में करीब 500 रुपए का खर्च आया है। मैंने देखते हुए कि गंदगियाँ इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके अंदर जब वो फुल हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उसका मैसेज उस डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाएगा। पवन के क्लासमेट्स को भी ये मोबाइल चार्ज करने वाली टी शर्ट खूब पसंद आ रही है, और वो पवन के इस कारनामे की खूब तारीफ कर रहे हैं। ये आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और फ्यूचर में इसके बहुत बेनिफिट्स हैं कि सोलर से भी चार्ज हो सकते हैं। कोई सोर्स नहीं है आपके पास, कोई बैटरीज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप फिर भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और ये APJ अब्दुल कलाम सर से मिला इस चीज़ के ऊपर, सम्मानित कराया था उन्होंने अपने घर बुला के। ये आगे भी अच्छा है, वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। इंसान अपने घर पे जाए, टाइम ख़राब करे अपना जाके, उससे अच्छा होगा कि सोलर पैनल सिस्टम ले, इको फ्रेंडली होगा, फटाफट से चार्ज कर ख़त्म कहानी अपनी। आजकल हमें टाइम की बहुत ज़रूरत होती है, इस पोर्टेबल इट्स आल्सो गुड अबाउट इट। और टी शर्ट से मोबाइल का चार्ज होना है तो बहुत अच्छी बात है। पवन का अगला प्रोजेक्ट एक ऐसा डस्टबिन तैयार करना है जो भरने पर संबंधित विभाग के पास मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भेज देगा। पवन इतनी कम उम्र में जिस तरह से विज्ञान की दुनिया में कमाल कर रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि उसके आगे के आविष्कार आम आदमी को और ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। गाजियाबाद से रूफी जैदी, इंडिया 24/7।